आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस डॉस के अंडर में अपेंड ऑपरेटर का क्या काम है। अपेंड का मतलब ही होता है जोड़ना, एक या एक से ज़्यादा फाइल या फाइल बना हुआ है उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में वो पढ़ेंगे कि एमएस डॉस के अंडर में अपेंड ऑपरेटर का कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज अपेंड ऑपरेटर इन एमएस डॉस। तो आपको हम डॉस कैसे लाएंगे, डॉस में आपको पता है हम सबसे पहले सर्च में आपको पढ़ाए थे, यहाँ पे आप टाइप command.com लिखेंगे तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं command.com लिख करके, तो आप यहाँ से डॉस कमांड प्रॉम्प्ट ला, आपको ये सब आता है। तो अब आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस डॉस के अंदर में अपेंड ऑपरेटर का क्या काम होता है, हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अपेंड का मतलब क्या, जोड़ना होता है। तो कोई फाइल को आप जोड़ सकते हैं, जोड़ ही नहीं सकते हैं हम, इसमें हमको मात्र दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी और किसी दो फाइल का मैटर हम लोग जोड़ेंगे जो दोनों फाइल पहले से बना हुआ होना चाहिए। तो एक फाइल का मैटर दूसरे में जाएगा और दूसरे वाला भी पहले से रहेगा, वो उसमें से ख़त्म नहीं होगा। तो इस टाइप का काम करना अगर ज़रूरत पड़े तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग अपेंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि हम दो फाइल बनाए हैं, आप टाइप कमांड से जानते हैं, देखना टाइप करिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप और आप सोनी करके हम एक फाइल बनाए हैं। तो इसमें हम पहले लिखते हैं सोनी, देखिए उसमें ये मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है, और दूसरा फाइल एक देख लीजिए टाइप SIN करके बना हुआ है, इसमें हमारा ये मैटर लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सोनी का मैटर ये SIN में आ जाए, चाहे दूसरा फाइल हम लेते हैं टाइप करके, देखिए आप यहाँ से पंकज नाम का फाइल बना हुआ है, तो इसका मैटर इसमें आप देख सकते हैं कि रामजी गुडवा लिखा हुआ है, तो इसका मैटर हम इसमें चाहते हैं। तो आप टाइप करके लिखिए, टाइप क्या लिखेंगे, हम सोनी का मैटर पंकज में चाहिए, तो हम लिखते हैं सोनी और डबल ग्रेटर देन का सिंबल आप दीजिए, और नया नाम जिसमें आपको डालना है तो हमको पंकज में डालना है, तो ये लिख के इंटर मारिए। और जब आप टाइप करके पंकज को देखेंगे तो आप ये देखिए कि सोनी का मैटर, देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर, तो इसमें मुजफ्फरपुर आपको आ गया, और पंकज में आपको पहले सलाम ये गुडवा था ही, वो रहेगा ही। तो हम इसमें देखें, ये देखें कि दो फाइल मेरा पहले से बना हुआ है, लेकिन बाद वाला जो पंकज नाम का फाइल, हम चाहते हैं कि सोनी नाम का फाइल का मैटर इस पंकज में आ जाए, तो डबल ग्रेटर देन अपेंड ऑपरेटर का आप यूज करके इसको देख सकते हैं। तो ये आपको ये जरूरी होना चाहिए, ये दोनों फाइल पहले से आप बना लीजिए या बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का काम करना होगा कि किसी दो फाइल को हम लोग डॉस में जोड़ना चाहे तो हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप दूसरा फाइल बना के भी देख सकते हैं, आपको हम कॉपी कॉन फाइल नेम कोई भी नाम दीजिए, सपोज कीजिए कि ZZ नाम से हमें फाइल बनाते हैं, इसमें हम ग्लोबल लिख देते हैं, ग्लोबल लिखे और कंप्यूटर लिख के इसको हम लोग सेव कर दिए, F6 से सेव कीजिए। दूसरा फाइल फिर बनाइए कॉपी कॉन, और मान लीजिए YY नाम से फाइल बनाते हैं, और इसमें हम लोग मुजफ्फरपुर लिखते हैं, मुजफ्फरपुर चाहे एजुकेशन लिखिए, टाइप कीजिए, आपको जो मन में आए आप इसमें लिख सकते हैं, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि YY वाला मैटर ZZ में चला जाए, तो वही बात फिर टाइप लिखिए, टाइप लिख करके YY लिखेंगे, डबल ग्रेटर देन का सिंबल दे करके आप ZZ लिख के आप इंटर मारिए। अब आप टाइप करके यहाँ और ZZ करके देखिए, देखिए ग्लोबल कंप्यूटर हमारा ZZ में था और एजुकेशन हमारा YY में था, और हम जब ये कमांड यूज के टाइप YY डबल ग्रेटर देन ZZ, और हम जब ZZ को देखते हैं तो ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन तो था ही और एजुकेशन भी हमारा इसमें आ गया है। तो इस सेंस में, इस टाइप में दो फाइल, इसलिए ये कमांड दो फाइल पे ही लागू होगा, ये तीसरा फाइल इसमें नहीं काम करेगा, और दोनों फाइल पहले से बना हुआ होना चाहिए,
हम लोग ऐसा देखें कि ये ग्लोबल और एजुकेशन दोनों अलग अलग फाइल में बना, और इस फाइल का मैटर वाईवाई फाइल का मैटर जेडजेड फाइल में हम लोग ले आए, और पहले से जो हमारा जेडजेड में था वो रहेगा ही, उसको ओवरराइट नहीं करेगा तो उसमें रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग काम करने के लिए अपेंड ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं। तो अपेंड ऑपरेटर का यूज है कि दो फाइल पहले से बना हुआ होना चाहिए, उस दोनों फाइल को वो जोड़ेगा और पहले वाला मैटर दूसरे में चला जाएगा और दूसरे फाइल का भी मैटर उसमें रहेगा। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपको डॉस के अंदर में, एमएस डॉस के अंदर में अपेंड ऑपरेटर का आप यूज कैसे करेंगे ये हम लोग बताएं। आप इसको अपने कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं डॉस के अंदर में इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम लोग जाने कि अपेंड ऑपरेटर का डॉस में यूज करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।